from? Yeah, baby, India. India. Oh, you know Shahrukh Khan? Yeah, I know Shahrukh Khan. You look like Shahrukh Khan. Oh, thank you so much. Chaiya. Yeah, bro. Okay. Agrim the chimpanzee. अरे भाई टिकटॉकर बन गए, ऑर्डर लगा के वीडियो बना ले अब। अरे वाह, वेरी नाइस। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे देख के तो लग ही रहा होगा कि मैं स्विमिंग करने ही जा रहा हूँ। सो यस आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग। लेकिन ये सारे तो पहले ही उठ चुके हैं, मैं अभी 10 मिनट पहले उठाऊँ बस। ये लोग आधे घंटे से पूल में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यार मेरी नींद नहीं खुल रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ। बट फटाफट चलता हूँ यार स्विमिंग पूल में, नींद भी खुलेगी मस्त की। उसके बाद हमारा प्लान है बीच जाने का। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। ये देखो ये मगरमच्छ मगरमच्छ जलपरा। हम लोग आ चुके हैं पूल में एंड दिक्कत यहाँ पे एक है कि पानी हो रहा है बहुत ही ज्यादा ठंडा, तो इसमें जाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो पूल के साथ बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ। एंड यहाँ सारे भाई लोग नहा रहे हैं अभी अपने। A few moments later. So guys, we are ready and अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बीच की साइड। बीच में एंजॉय करेंगे आज, बीच में फन करेंगे, वहाँ थोड़ा नहाएंगे धोएंगे। यहीं से पास में ही बीच है, लगभग 10 मिनट का रास्ता है। सेमीनायक बीच एंड लेगियोन बीच दोनों यहीं पे है पास में ही। एंड ये सारे बॉयज रेडी है बिल्कुल। सो चलो बीच की तरफ चलते हैं। एंड गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी कुत्ता बीच। यस यू हर्ड इट राइट, कुत्ता बोल रहे हैं वैसे, कुत्ता बीच। एंड वहाँ पे अच्छा खासा क्राउडेड बीच है। हम कल गए भी नहीं थे वहाँ पे, कल हम दूसरे वाले बीच में गए थे। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं पे चलते हैं। जाने से पहले हम लोग रास्ते में रुक गए हैं पिज़्ज़ा हट, कुछ खा लेते हैं यार। बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है और 12:30 हो चुके हैं। बट यहाँ दिक्कत बाकियों के लिए है क्योंकि बाकी वेजिटेरियन है। एंड यहाँ पे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग, मतलब किसी में भी वेज मिलता ही नहीं है भाई। पिज़्ज़ा तो चलो एक बार के लिए मिल जाता है, बट बर्गर तो यहाँ पे वेज मिलता ही नहीं है। ओनली चिकन, बीफ, पॉर्क, ये सब मिलता है। सो मैं तो नॉन वेज खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट बाकी लोगों के लिए दिक्कत है। यहाँ पे है कुछ वेज? वेज है। सो यहाँ पे वेज ऑर्डर करा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपना खाना आ चुका है, बहुत डिलीशियस लग रहा है यार पिज़्ज़ा। अभी गार्लिक ब्रेड आई थी वो भी बहुत ही ऑसम हो रही थी। पिज़्ज़ा चेक करो जरा यहाँ का, और ये चिकन विंग्स। बाकी एक पिज़्ज़ा और आ रहा है अभी, वो भी मंगा रखा है। वो अभी खाना ही खा रहे थे यहाँ, और ये भाई मिला। हेलो भाई, सुन यार 2 प्लेट मोमो ला दे यार। हाँ, 2 प्लेट मोमो ला दे, ठीक है? ओके ओके ओके, जल्दी ला दे फटाफट। हाँ, और चटनी एक्स्ट्रा। ओके ओके, या मोमो लेके आएगा भाई अभी। गाइस ये जो मोमो वाला लड़का है हेलो कर रहा है, ये और इसकी फ्रेंड जकार्ता से घूमने आए थे, ये हमें हमारे होटल में ही मिले थे। सो ये दोनों अकेले घूम रहे थे, इसलिए इन्होंने कहा कि हम लोग साथ में ही घूम लेते हैं। हमने कहा इट्स ओके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुत्ता बीच। एंड ये मैं वॉइस ओवर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पूरी ऑडियो क्लिप यहाँ पे विंड नॉइस की वजह से ख़राब हो चुकी है। सो अब हम लोग जा रहे हैं कुत्ता बीच की तरफ, मिलते हैं आपको सीधे वहीं पर। देखो क्रेटा का फेसलिफ्ट, यहाँ पे ऑलरेडी क्रेटा का फेसलिफ्ट आ चुका है। इंडिया में तो पता नहीं कब से बोल रहे हैं कि आएगा, बट आया नहीं है अभी तक। ऐसा कुछ रास्ता जाता है पूरा स्ट्रीट का, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए हैं इस गली में, कोई क्या ही बनाएगा। एंड यहाँ पे सर्फिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, अपने सर्फ बोर्ड्स वगैरह लेके आते हैं, और बाहर से अपनी कंट्री से ही सर्फ बोर्ड्स वगैरह लेके आते हैं। हमने एयरपोर्ट पे देखा था, एक लेके आ रखे थे यहीं पे। बाकी यहाँ पे भी सर्फिंग बोर्ड्स रेंट पे मिल जाते हैं। ये देखो जैसे ये घूम रहा है, ये सर्फिंग बोर्ड्स लेके। एंड इसका भी यार बहुत तगड़ा क्रेज़ है सर्फिंग बोर्ड्स का, मतलब जिन्हें इसका क्रेज़ है ना वो अलग ही लेवल का है। जैसे बाइक्स का, कार्स का क्रेज़ है, ऐसी सर्फिंग इज अ वेरी गुड स्पोर्ट। तो ये देखो ये सारे सर्फिंग वाले जा रहे हैं यहाँ से, ये भी सर्फिंग वाला है, ये भी सर्फिंग। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कुत्ता बीच। यार इतना मस्त व्यू आ रहा है ना सामने, पूरा भयंकर ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ ही जन्नत में आ रखे हैं। पूरी सर्फिंग चल रही है आगे। एंड ये चेक करो ज़रा, देखो तो सही व्यू।
फुल एंजॉय होने वाला है आज तो यार, फुल एंजॉय। हाँ धूप थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं धूप बहुत ही ज़्यादा है अभी, क्योंकि हम आए भी दिन में 1:30 बजे हैं, तो प्रॉपर धूप वाला सीन है। बट यार से हेलो, हाय। हाँ ये अंग्रेज भी मस्त है यार, हेलो हेलो इंडियन को बोलते इतने में गाली देके चले जाता बैंक का। धूप काफ़ी तेज़ है, पूरे सनबर्न होने वाले हैं, पूरी स्किन काली काली होके जाएगी यहाँ से। सनस्क्रीन तो लगा लिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। एंड यहाँ पे सर्फिंग के लिए सर्फ बोर्ड्स भी मिल रहे हैं, मैंने अभी बताया था। सो आशु भैया जा रहे हैं अभी सर्फिंग के लिए, एंड यहाँ पे सिखा भी रहे हैं वो सर्फिंग अगर आपको सीखनी है तो। पहले ऐसे ही देखते हैं, हमें तो बस टाइम पास ही करना है थोड़ा, क्योंकि सर्फिंग ऐसे ही तो बहुत हार्ड है, एक दिन में तो आने वाली है नहीं। बट लेट्स ट्राई, देखते हैं थोड़ी बहुत सर्फिंग करके। बाकी यहाँ पूरा इन्जॉयमेंट हो रहा है, यहाँ ऊपर छाता लगा हुआ है इसकी वजह से छाया है, वरना बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ ऐसा हो रखा है यार बीच, यहाँ पे सैंड पूरी गीली है, ये देखो यहाँ पीछे तक सूखी नहीं, यहाँ पे टाइट आ रही है पूरी, इसलिए यहाँ पे गीली हो रखी है। बाकी आशु भाई अभी गए हुए हैं सर्फिंग करने के लिए, एंड मैं भी अभी बोर्ड लेने वाला हूँ, सर्फिंग बोर्ड। सो मैं भी पानी में जाऊँगा सर्फिंग के लिए। एंड ये देखो यहाँ पे ओशियन से पत्थर आ रहे हैं, कैसे ब्यूटीफुल पत्थर रख रहे हैं, पीले और वाइट, अलग ही है मतलब। वो देखो वहाँ पे बड़ी बड़ी टाइट्स में लोग सर्फिंग कर रहे हैं, जिनको आती है, ये प्रोफेशनल्स हैं। सो प्रोफेशनल तो क्या, हमने तो करी नहीं है कभी, ये तो फर्स्ट टाइम होगा, तो बिल्कुल ही बिगनर है हम तो। बट इट्स गुड, चलते हैं यार वहाँ की साइड ही, सर्फिंग का बोर्ड लेता हूँ अपना। एंड यहाँ पे पानी में जाने के लिए ज़्यादा स्किन मतलब सनबर्न ना हो जाए, तो उसके लिए हमें ये जिंक लगाना पड़ेगा, तो अभी ये जिंक लगाता हूँ। बस फेस फेस में ही लगाना है, ये मेन सनबर्न तो फेस का है, उसमें हैवी। अगर इम द चिंपैंजी, अरे भाई टिकटॉकर बन गए, पाउडर लगा के वीडियो बना ले अब। अरे वाह, वेरी नाइस। यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं सर्फिंग के लिए, एंड अब हम लोग चलते हैं। बट यार ये सैंड जो है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, ये पता नहीं कैसे चल के जाएंगे इसमें वहां तक। एंड मैं पानी में फोन तो ले जा नहीं सकता हूँ, तो मैं गोप्रो लेके जा रहा हूँ, गोप्रो में देखते हैं शॉर्ट्स अगर कुछ आएंगे तो ठीक है। अब ऐसा ना हो कि ये मेरा गोप्रो समुद्र में ही कुर्बान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी सर्फिंग के लिए, ये अपना सर्फबोर्ड ले लिया है, गोप्रो भी ले लिया है, एंड आगे और भाई लोग जा रहे हैं। लेट्स गो, वी विल हैव फन वाइल हैविंग सर्फिंग। भारी मौसम है यार, ये बड़े वाले हैं। बस ये गोप्रो पानी में ना चले जाए, क्योंकि इस पे कोई भी धागा वगैरह नहीं बना हुआ है मेरे हाथ से, अगर ये छूटेगा तो ये सीधे पानी में जाएगा। पूरे मजे है भाई टाइट के। Thank you.
अभी आगे आ चुके हैं थोड़ा। यहाँ पे टाइड आ रही है, टाइड ऐसे आती है कि पता भी नहीं चलता है वो, देखो वहां से तेज। गाइज हम लोग आ चुके हैं सर्फिंग करके और बहुत ज्यादा मजा आया यार। हालत देख सकते हो आप, पूरी टैनिंग हो गई है भयंकर, हाथ पैर सब कुछ काले हो रखे हैं और यहाँ घुटने भी छील गए उसमें लग लग के। बट इतना ज्यादा मजा आया ना सर्फिंग करके, पहली बार करी मैंने जिंदगी में अपनी, बट बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल आगे तक चले गए थे और ये लोग डर रहे थे कि कहाँ आगे तक चले गए। अब हमारा प्लान है होटल जाने का, पहले हम होटल जाएंगे वहाँ थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद हमारा प्लान है किसी क्लब जाने का, या तो फिन्स क्लब जाएंगे या लाफा वेला जाएंगे। वैसे जहाँ तक है फिन्स क्लब जाएंगे, वो बीच क्लब है, बहुत अमेजिंग क्लब है, वहाँ पे अलग ही वाइब है, मतलब वहाँ की ना शाम की वहाँ पे चल के दिखाऊंगा मैं, बहुत ही क्रेजी वाइब है वहाँ की। सो लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं, पहले तो यहाँ से होटल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार सर्फिंग में, लेकिन अल्टीमेट फन था यार, अल्टीमेट फन। सो लेट्स गो टू होटल। यहाँ ये बच्चे ना पतंग भी उड़ा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पतंगें उड़ा रहे हैं। सी Yeah, Habibi, India. India. Oh, you know, Shahrukh Khan. Yeah, I know Shahrukh Khan. You look like Shahrukh Khan. Oh, thank you so much. Chaiya. Yeah, bro. Okay. यहाँ के लोग ना सारे शाहरुख खान को जानते हैं, हर किसी के मुंह से उसी का नाम सुन लो बस, you know. Hello. भयंकर है भयंकर, यहाँ के लोग सारे शाहरुख खान के फैन भाई, नाम बना रखा है एक तरफा। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, ये पतंग ये देखो, एंड बीच का व्यू ऐसा कुछ शाम का है, यहाँ पूरा सनसेट वाला टाइम है, सनसेट तो नहीं कह सकते अभी बट बिफोर द सनसेट, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है अभी, दिन से ज़्यादा अच्छा व्यू अब आ रहा है बीच का। ये मोमो वाला लेके चलेगा हमें साथ में, ये हमारे साथ ही होटल से आ रखा है। आई ड्राइव ओके चलो भाई मोमो वाले, कैन आई वेयर दिस वन? ओके थैंक यू। My name is Faisal Tabiansa. I'm from Indonesia. And now we like a boy Bali. Boy Bali. Boy in Bali. Yes. Okay. And girl in Bali? Bo. Okay. Bo and Bli. Bo and Bli. Yes. Bo and Bli. A girl and boy. Okay. And if when you pay the star, you can call Bli or Bo. Bli or Bo. Yeah, Bli or Bo. तो गाइज हम लोग होटल पहुंच चुके हैं एंड अब यहां से थोड़ा नहाते धोते हैं यार, रेडी होते हैं, बिल्कुल थकान लग चुकी है, आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे फिर हम लोग जाएंगे फिन्स क्लब। गाइज हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एंड वी आर रेडी, बट इसमें एक कैच है क्योंकि हमारा प्लान था पहले फिन्स क्लब जाने का फिर लाफा वेला का, बट आशु भैया और दिव्यांश पहले ही वहाँ पे जा चुके हैं तो वो देख रहे हैं कि कुछ क्राउड वगैरह है नहीं, ढंग से मज़ा नहीं है, तो हम लोग अभी कहीं और जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए। एंड अभी अग्रिम मैं और ये लोग साथ में जा रहे हैं, सब लोग रेडी हैं बिल्कुल, सब लोग चल रहे हैं वहीं पे। पोटैटो हेड वी आर रेडी, नो पोटैटो हेड कैंसिल, वहाँ पे क्राउड वगैरह कुछ भी नहीं है वो तो बता रहे हैं। अब पता नहीं कोई लोकेशन भेजे उन्होंने वहाँ पे बुलाया। सो गाइज हम लोग आ जाए इंडियन रेस्टोरेंट में क्योंकि क्लब्स वगैरह में हम इसके बाद जाएंगे,
इंडियन खाने की इतनी याद आ रही थी ना यहाँ पे आके, मैं क्या बताऊँ। ये देखो अभी हमने मंगाया यहाँ पे पनीर टिक्का एंड और चीज़ें अभी मंगा रहे हैं। सो इंडियन रेस्टोरेंट भी ट्राई करते हैं यहाँ पे आके कैसा लगता है। एंड हमारा इंडियन खाना आ चुका है, अफगानी चिकन, चिकन बिरयानी, बटर चिकन, पनीर, सब कुछ इंडियन आ चुका है। रुका नहीं जा रहा है बस इसे खाने के लिए, फटाफट इसे खाते हैं। खाना तो हमने यहाँ पे खा लिया है बट बिल पता है हमारा 6,000 रुपए का बिल आया है। बिल्कुल भी वर्थ बिल नहीं है यहाँ के हिसाब से। मतलब ये तो इंडियन को समझ के इंडियन की ले रहे हैं, ढंग से लूट रहे हैं, भयंकर लूट रखा है ढंग से पूरा का पूरा इन्होंने। इतने आइटम का बिल इंडिया में जेन्युइनली 2,000 से 3,000 के बीच में जेन्युइन था, बिल्कुल एग्जैक्ट था। एंड बटर चिकन फुल की क्वांटिटी इतनी कम थी कि मैं क्या बताऊँ, दो बंदों के लिए भी पूरा नहीं हो पाया वो। तो भाई यहाँ तो इंडियन खाना तो बेकार है, इससे बढ़िया तो बाहर का ही खाओ तो वही ठीक है। पिज़्ज़ा हट में हम सुबह बैठे थे, उसमें 2,000 का बिल आया था एंड हम सब ने बहुत अच्छा खासा खाया था। सो यही चीज़ें ठीक है यहाँ पे, इंडियन तो मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा अच्छा है। लोगों को कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है कि जाना कहाँ पे है, हम लोग बस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ लाफा वाला है, उस साइड देखते हैं। अगर कोई क्लब वगैरह में बैठने का मन करेगा तो ठीक है, वरना वहीं पे घूमेंगे थोड़ा सा। हम लोग आए अभी घोस्ट क्लब में एंड यहाँ बहुत म्यूजिक लाउड है, क्राउड अच्छा है। सो लेट्स सी क्या है। What's up?